निकल जाता है घर से। एमजी भी बताओ, वो तो बुक करवाई है ना अभी। एमजी भी बुक करवाई है। एमजीएच काले काले यार कौन चेंज हो गया हमारा। श्याम भाई कहते हैं मैं खुद जिम्मेदारी से ड्राइव करूंगा। बेबी यो, बेबी यो। आगे की तीसरी फार्म होती है चरगे वाली, जब कपड़े उतार के वैसे खड़ा होता है। ये इंडिकेटर आप इस तरफ करेंगे तो इस तरफ वाला चार्ज होगा, उस तरफ करेंगे तो इस तरफ वाला चार्ज होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास एहतिशाम, जिसको मैं शामी शामी कहता हूँ। वो मुझे सुबह से कॉल्स कर रहा है, उसने मोबाइल लेने जाना। वो कहता कि आओ मोबाइल लेने चले, तो मैं उसको कह रहा था कि ले आओ दी, लेकिन कहता नहीं तुम मेरे साथ आओ फिर मैंने जाना है। तो मुझे तकरीबन 2 बजे से कॉल्स कर रहा है वो, मैं उसे कह रहा हूँ। तो अब इस वक्त बज रहे हैं 5:30, तो अभी वो कह रहा है कि अगर तुम ना आए 6 बजे तक तो फिर मैंने तुमसे नाराज़ हो जाना, लेकिन अब जाना पड़ेगा। वो कब से कॉल्स कर रहा है, तो चलते हैं उसके पास। तो इस वक्त रश भी काफ़ी होता है, तो गाड़ी नहीं थी मैंने निकालनी, लेकिन गर्मी काफ़ी थी और ऊपर से डस्ट भी बहुत है हमारे रोड पर, तो इस वजह से भी मुझे गाड़ी निकालनी पड़ी मजबूरन। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं बाइक पे जाऊँ, लेकिन हमारे श्याम भाई कहते हैं कि भाई गाड़ी में आना, बाइक पे आया तो फिर मैंने आपसे मुलाकात नहीं करनी। वो ज़रा अमीर बंदा तो वो बाइक के गाड़ी के अलावा नहीं बैठता माशाल्लाह, खुद भी उसके पास 4-4 गाड़ियाँ, पर वो निकालता नहीं। वो अलग बात है, स्पोर्टिज भी है उनकी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो अजीब गरीब बंदा महलूक। तो ये रोड है, हमारा रोड है, उन्होंने सारा ही तोड़ा हुआ है तकरीबन, काफ़ी रश है हमारे रोड पे ना, उन्होंने पाइप डाले कोई सीवरेज के तो तोड़ा हुआ है, तो उस वजह से काफ़ी रश है उधर। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे रश वगैरह नहीं मिला, मैं निकल आया हूँ आराम से ही। तो बस अब ये खड़े हुए हैं, इशारे पे इशारा खुलता तो निकलते हैं। मोबाइल लेके ना, तो फिर मैंने ब्लॉग भी बनाना है एक, उस पर रिव्यू करना है 70 का, CD 70 जो आई है न्यू, बहुत ही खूबसूरत है, इंशाल्लाह आपको उसका रिव्यू भी दिखाएंगे। वो बेसिकली फनी टाइप रिव्यू होगा। हमारा शोरूम है उधर, बाइक आ गई है, तो अभी मैंने जाना उधर तो ब्लॉग बनाना। Slams through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on. ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं फजूल में, ये देखिए अभी ये रॉन्ग वे आ रहा है, इसने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी थी। तो इनको ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का कि रोड पे और भी लोग निकले हुए हैं, इनकी वजह से जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये इन चीज़ों का लोगों को ख्याल करना चाहिए। अब ये यू टर्न ना थोड़ा सा ही आ गया, यहाँ से यू टर्न इसने लिया, वहाँ से रॉन्ग वे हो गया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं शामी के पास, ये हमारे शामी भाई का मेडिकल स्टोर है, ये हमारे शामी भाई आ जाओ, ये हमारे साथ शामी भाई आ चुके हैं। शामी भाई इधर तो देखे नाराज हो गए मुझसे, कह रहे हैं सुबह से आपको फोन किया हुआ है, आप भाई हो तो कौन सा मोबाइल लेना है? देखो यार एक्स देख रहा था मैं, आप देखो कौन सा लेता हूँ। कौन सा एक्स? आईफोन एक्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस ये आईफोन एक्स भी आपको हम दिखाएंगे कौन सा लेता शामी भाई। ये नहीं हमारे यार सैमसंग का फोन लेना है, ये हमारे लायर भाई हैं, वकील बन रहे हैं और अब ये दोबारा इंसान नहीं बन सकते। बाबा गड्डी देख के चला ध्यान नाल गानू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया चला, ये बहुत ही खतरनाक ड्राइवर है।
ये पापा की गाड़ी चोरी स्पोर्टी जाइन के पास है ना, ये स्पोर्टी चोरी करके निकल जाता है घर से। एमजी भी बताओ, वो तो बुक करवाई है ना अभी। मैं गरीब हूँ। एमजी भी बुक करवाई है, एमजीएचएस भी बुक करवाई है शामी ने, तो वो आएगी, वो भी आपको उसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। शाम भाई रिव्यू करवाओगे ना? वेरी सून फिर इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करेंगे। तो शामी ने अपने छोटे भाई को सिटी भी लेके दी हुई है। शामी बहुत मीर बंदा है, बस वो आके वो डरता है बहुत डरता है रोड पे चलाने से, क्योंकि आपको पता है छोटा सा सियालकोट है, कभी कोई आगे छील जाता शामी जी, कोई आगे छील जाता। तो शामी भाई इस वक्त बहुत उदास है, उनको मोबाइल नहीं मिला, उन्होंने जो लेना था वो बेसिकली मेरा दोस्त है जिससे लेना था मोबाइल, तो सैमसंग का A11 ओह सॉरी एक्सेस मैक्स, ठीक है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वो नहीं मिला, वो कह रहा कि मंडे को मिलेगा। तो अब शामी भाई हमारे बहुत उदास हैं, शामी भाई को आज इमरजेंसी चाहिए था मोबाइल। शामी भाई ने की पापा की बर्थडे थी तो उन्होंने गिफ्ट करना था अपने पापा को, तो मैंने कहा यार कोई और ले लो, कहता नहीं भाई लेना तो एक्स मैक्स ही लेना, नहीं तो नहीं लेना है ना शाम भाई, वो उदास ना हो मिल जाएगा आपको मोबाइल। अब कैंट जा रहे हैं देखने कोई अच्छा सा, शामी भाई हमारे इस टाइम कैंट जा रहे हैं, तो बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट लेवल उनकी बहुत ऊपर तक है। अब हम आइसक्रीम भी खिलाएंगे शामी भाई, अगर उन्होंने खिला दी तो मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, अगर ना खिलाई तो भी तो समझ जाइएगा नहीं खिलाई। समझदार के लिए इशारे काफी है। अब ये देखिए ये माशाल्लाह वैगनार वाला इस दिन रेंट पे लिया शायद, ये पेंडा है। ऐसे ही है भाई, जिधर दिल करता है पाकिस्तानी वहां में खड़ी कर देती है गाड़ी, कोई टेंशन टेंशन वाली बात नहीं है। यो बेबी यो बेबी यो ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रेंट बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा 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 थारा मूड खराब कर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आइसक्रीम के लिए, शुक्रिया। ये आप अपनी वाइफ के लिए, वाइफ के लिए गजरे वगैरह लेंगे? नहीं यार अभी यार ले नहीं, गजरे कोई नहीं है अभी, गजरे ले ले, वाइफ ही कोई नहीं यार। तो वाइफ आप करे ना शादी, शादी क्यों नहीं कर रहे आप? शादी भाई शामी भाई यही ऐसे ऐसे जुकते मार रहे मुझे, लाग में नहीं डाल सकता, तो आप हंस रहे आ गए जुकते मार के मुझे, मैंने कहा जुकते भाई मुझे भी आती है लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं आपको जुकते मार नहीं सकता। तो बहुत इस वक्त भाई उदास ना, मोबाइल आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह 3-4 दिनों तक। शामी भाई को सैमसंग का A11 चाहिए, बार बार कह रहा हूँ एक्स मैक्स चाहिए, A11 सैमसंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पैसे नहीं करे इधर 1000 रुपया यार, कल के कट्ठे हुए थे मैं कार लगा, क्यों वेले कटे की है काले यार का का यार। शाम भाई आइसक्रीम नहीं खा रहे यार, कोई बात नहीं शामी खाओ 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 का यार शामी पहली बार तेरी, नहीं मैंने ले लिया ये देखो मैंने खाई है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत बहुत थैंक यू शामी भाई, पैसे ले लो और गाड़ी को वॉश करवाने ने बहुत गंदी है। शाम भाई ने मैं पैसे भी दे दिए, तो ड्राइवर चेंज हो गया हमारा, शाम भाई कहते हैं मैं खुद जिम्मेदारी से ड्राइव करूंगा, चले यार वेट अ सेकंड व्हाट वाओ, ये कौन सा मोबाइल है? ये 11 Pro, 11 Pro अच्छा Samsung का कैमरे लापिस। शाम भाई हम शाम भाई को सी ऑफ करते हैं, शाम भाई इंशाल्लाह आपको मोबाइल ले लूंगा मैं, आप टेंशन ना लें, फिर मैं आपसे रब्ता कर दूंगा, ठीक है ओके बाय। 5 मिनट हो गए यू टर्न करते हुए और अभी तक इधर ही है, ट्रैफिक ब्लॉक की हुई, आगे से वो देखे रिक्शा भी आ रहा है भाई, इन चीज से मैं मुझे बहुत खिंच चढ़ती है इन लोगों से, बंदा क्या पे जाए, ऊपर से गाड़ी भी छील छूल जाती है साइडों से, पता भी नहीं चलता, इधर एहतियात खुद ही करनी पड़ती है।
अब हम जा रहे हैं शोरूम पे, तो आपको दिखाते हैं रिव्यू न्यू CD70 का। शोरूम आ गए हम, तो ये है शोरूम, देख खड़ी करते हैं गाड़ी और चलते हैं अंदर। ये बाइक्स खड़ी हैं, तो इस वक्त ये हमारे रंग बिरंगे मामू आ चुके हैं। ये भी यूट्यूबर है। हाँ जी यूट्यूबर जी भाई, ये ले वसीम चौधरी ऑफिशियल के चैनल सब्सक्राइब करें। ये आम आदमी है, मैंगो पर्सन में लो पीली शर्ट। ये देख फुल कलरफुल बने हुए हैं इस टाइम। फुल कलरफुल लागे बने हैं कि जनाब तुहाडा जेड़ा ना व्लॉग है वायरल हो जाए, ते सरदारी देखे ते सरदारी थानू जेड़ा ना 10% अपने देन लग पे, ते तुसी फिल फॉर जेड़ा ना पाकिस्तान दे अमीरतरीन लोकां च शामिल हो जाओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जेड़ी मिसाल सड़क ते तुसी फेर रहे हो इस टाइम, पूरी सड़क माशाल्लाह ब्यूटी पार्लर बनी है। वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे उनको, वो पूरा ब्लॉग तुहाडा उत्थे बन सकदा है कि माशाल्लाह देखो कि इन्ना खूबसूरत मेकअप हुंदा है, एक बंदा मोटरसाइकिल ते जांदा है ना ते मुफ्त मेकअप हो जांदा। हमारे चाचू हैं, चाचू मोहसिन जी। मामू हां जी, कैसे हैं? जिम जा रहे हैं? नहीं नहीं, आप देखिए ब्लू कैप येलो शर्ट ये, ब्लैक ट्राउजर, पूर कलरफुल बने हुए हैं। और ये वो क्या उसे कहते हैं, वो जो मुर्गे की तीसरी फार्म होती है चंगे वाली, जब कपड़े उतार के वहां से खड़ा होता है। और कुछ लोग उसको खाने के लिए तैयार होते हैं। ये हनी भाई हमारे इस वक्त जो है ना वो एक चरगा रगड़ने के मूड में है, और वो कुकड़ इस वक्त चिकन डिनर करने के मूड, वो कुकड़ इस वक्त किन ख्वाबो ख्यालों में होगा जिसको इन्होंने चीड़ फाड़ कर गुलाम कर देना। रिव्यू करने लगे न्यू सामने का, ये इसका हैंडल भी नहीं इन्होंने लगाया इस दफा। तो भाई ये हनी सामने क्या हो गया आपको? ये हो सॉरी, ये पुरानी है, ये पता नहीं ना चलता कौन सी नहीं है कौन सी पुरानी। ये नहीं नहीं समझ, ये नहीं, ये नया स्टिकर आया, तो ये नया स्टिकर आया है। इसकी टैंकी में भी थोड़ा सा इन्होंने चोरी की है, उसके बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी है। इसकी इंजन का साइज बड़ा है, ठीक है। ये पुरानी सामने का, ये पुरानी है, और इसका पुरानी का ना ब्लैक, ये देखे मैं आपको बताता हूँ, ये जगह जो है ना इसकी ये ब्लैक है जी, और ये इंजन भी छोटा है, इसका इंजन भी बड़ा है जी जी, और इसका ये भी क्रोम है, और उसके बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी है। उसके बाद इसका वजन में 4 से 5 किलो का फर्क है, और बाकी स्टिकर इसका बड़ा खूबसूरत है। ये फर्स्ट टाइम इसका स्टिकर इतना प्यारा आपने सैमटी का दिखा है। तो बाकी आप देखें हनीगी, ये जो ब्लॉग है इसको देखें, इसको खूब इंजॉय करें। ये नई मोटरसाइकिल आपको दिखा रहे हैं, और ये पिछला मॉडल है जो पहले था। ये पहले वाला स्टिकर है, ये न्यू है, और ये 1:5 है। 1:5 का कब आ रहा है मॉडल? 1:5 का न्यू कब आ रहा है स्टिकर? वो न्यू मॉडल, सॉरी न्यू मॉडल कब आ रहा है? इन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया। हाँ ये पहले से अच्छा है। हाँ, और ये भी इसकी जो पट्टी है पूरी ये वजनी कर दी है, और इसकी फिनिशिंग अच्छी कर दी है। ये नई से जो नया मॉडल आया है, और इसकी टैंकी भी थोड़ी सी चौड़ी है, ठीक है। और इसमें इसमें प्राइस में भी प्राइस सेम है, अच्छा 86 की 86.9। बाकी ये है न्यू 70, वो है न्यू 1:5। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप आ सकते हैं हमारे शोरूम, हमारा शोरूम मोशन ट्रेडर आदम अली रोड पे। और ये हमारी लाड़ी खड़ी हुई है गंदी, ये हमारा लोकेशन है शोरूम की, तो आप आए इंशाल्लाह। तो होंडा वालों ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, हमें मायूस नहीं किया इस दफ़ा, फिर माशाल्लाह से बहुत ही चेंज किया इन्होंने स्टिकर।
वो चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारी ख़राब ना हो, इसलिए वो बस स्टिकर चेंज करते हैं, पर माइनर सी चेंजिंग करते हैं एक दो, तो इतने में ही हमारी आवाम खुश हो जाती है। तो ये थी 70, ये 86,000 प्राइस इनवॉइस प्राइस है इसकी। साहब जिस तरह आपके पास वो कोटे का मॉडल ना चेंज हो रहा है, उसका चार्ट हम लोग वाले, ये 1990 से यही आ रही है 70, कोटे की शक्लें भी इसी में बैठी आ रही है। करना आपको पता है जब बचपन में थे तो कोटे की चार टांगे थी, आज भी कोटे की चार टांगे, लेकिन ये क्वालिटी उन्होंने थोड़ी सी बेहतर की है, माइनर सी 5-6 के जी वेट जो है ज्यादा इस 70 का, तो बाकी इसमें इसका फर्क है एक, ठीक हो गया, टंकी थोड़ी सी चोरी है और इसमें पेच नहीं लगा हुआ, ये जो न्यू मॉडल है ना इसके अंदर पेच नहीं है, इसके अंदर पेच लगा हुआ है, ये की फर्क है इसमें, ठीक है। बाकी मीटर भी सेम है इनका, बाकी सारा कुछ ही तकरीबन सेम ही है, और ये किए फ़र्क है। तो ये थी न्यू 70, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो ये इंडिकेटर आप इस तरफ करेंगे तो इस तरफ वाला चल जाएगा, उस तरफ करेंगे तो इस तरफ वाला चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, इसको स्टार्ट करें और 50 का फ्रेश इसमें पेट्रोल डलवाएँ और आप घूम सकते हैं पूरी सिटी, ठीक है। आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।